अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने ऑटो ड्रिंकिंग सिस्टम को निप्पल है, कॉप्स वगैरह है, उसको आप वाटर गैलन के साथ अटैच कर सकते हैं, वाटर कैन के साथ, या आपके पास जो भी वाटर टैंक है, आपके जो निप्पल वगैरह हैं, जो आपके ड्रिंकिंग सिस्टम है, कॉप्स वगैरह, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको उसका नहीं मालूम, आप पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो मेरी एक वीडियो मैंने उसकी डिटेल बनाई हुई है, आप वो देख लें, उसका मैं लिंक दे दूँगा। और इसका आपने ख्याल ख्याल रखना कि आपके 1000 बर्ड के लिए आपको 60 लीटर पानी चाहिए, जो आपका गर्मियों में 7 से 8 घंटे आराम से निकाल सके, कि आप उसके बाद चेंज कर लें, और सर्दी में वो 12 से 24 घंटे तक भी निकाल देता है। तो आप उसी में अपनी वैक्सीन वगैरह भी इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आसानी से धो सकते हैं। और मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह आपने इंस्टॉल करनी है। अगर आप कम कॉस्ट में अच्छा सेटअप बनाना चाहते हैं, कि आपको बार बार केन वगैरह ना चेंज करना पड़े, तो आप उसे अपना निप्पल वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और कम कॉस्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको इसकी कॉस्ट वगैरह नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल डिटेल में बताऊंगा, अगर आपने वो लाजमी देखनी है। और ये वीडियो में आपने देखना है कि आप किस तरह से आपको आप अपने वाटर ड्रिंकर को इंस्टॉल कर सकते हैं और केन उससे अटैच कर सकते हैं। तो चले आपको बताता हूँ। दो से तीन स्टेप को खास ख्याल रखना पड़ेगा, कि एक तो आपकी जो वाटर टैंक है उसकी हाइट जो है ना, वो 4 से 5 फीट हो, उससे आपका जो वाटर सिस्टम के अंदर जो निप्पल वगैरह उस पानी का जो लेवल है ना, वो बरकरार रहेगा और सब में पानी इक्वल जाएगा। नहीं तो आपका अगर पानी का वाटर टैंक का को नीचे पड़ा है ना, वो 2-3 फीट पर पड़ा है, या बिल्कुल ज़मीन पर पड़ा है, तो वो आपका नीज़ल काम नहीं करेगा, उसमें पानी जाएगा, और आगे जो आखिरी वाले हैं उसमें पानी बिल्कुल ही नहीं जाएगा। आपने जो टैंकी या गैलन वगैरह यूज़ करना है, तो आप उसको छांव में लगाएं, कि सर्दियों में वो ज़्यादा ठंडा वगैरह ना हो जाए, तो इससे आपके बर्ड को फ्लू वगैरह हो जाएगा। तो छांव में लगाएं, गर्मियों में ज़्यादा गर्म ना हो जाए, तो इसलिए आप छांव में लगाएं, जहां आपके पास इस तरह की जगह हो, कि जहाँ दरख्त वगैरह हो उसके नीचे लगा लें, या शेड के अंदर लगा लें, वो भी बेस्ट है। उससे ये अगर पानी की लीकेज वगैरह हो जाएगी ना, तो उससे मसला होगा। आप उसमें अगर दवाई वगैरह वैक्सीन वगैरह इंजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर उसमें अंदर गिर गई, तो वो कुछ वैक्सीन इस तरह की होती है जो आपको बर्ड को नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए आप बर्ड बाहर ही लगाएं टैंकी को, तो बेहतर है। और उसके लिए आप कुछ शेड वगैरह लगा सकते हैं, जहाँ सायेदार जगह पर उसको रख सकते हैं, और उसकी हाइट का ख्याल रखना। लो जी, ये हमारा टैंकी के साथ लग गया पैप, और ये हमारा पानी जा रहा है, और ये कॉप्स में आप, मैं दिखाता हूँ आप, ये कॉप्स में देख रहे हैं आप, पानी आ रहा है, और ये देखें आप नेक्स्ट शॉट में, आप देख रहे हैं बर्ड भी पानी पी रहा है इसके अंदर।